बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज क्रिएटिविटी? व्हाट इज इनोवेशन? हाउ कैन वी बी क्रिएटिव? ये क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है? हर कोई कहता है क्रिएटिव बनो, स्मार्ट बनो, इनोवेटिव बनो। ये सारी चीज़ें क्या होती है? क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? उर्दू में तो इसका मतलब है तख्लीकारी, जो इंसान कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करे, ये क्रिएटिविटी है। आज मैं उसकी जो मानी है वो मैं आपसे एक्सप्लेन करने की, उसकी वजाहत करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। मैंने जो एक बात अपनी ज़िंदगी में सीखी है वो ये कि मुझे हमेशा से इस बात का बड़ा फ़ायदा मिला अल्हम्दुलिल्लाह कि एक चीज़ को एक जगह पे आप सूट ना करें, फिट ना करें, उसकी कोशिश ना करें, ऑप्शंस को खुले रखें, एक चीज़ को एक डेफिनेशन ना दें। क्योंकि ये थिंकिंग में रिजिडनेस आती लेके आती है, यानी कि जो ख्यालात होते हैं, सोची होती है, फिर फिक्स्ड हो जाती है, फिर चेंज नहीं होती। फिर इंसान सोचते हैं कि जो मैंने डेफिनेशन सीखी थी ना, बस वही है। तो आप कोई भी ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहे, कोई भी किसी भी चीज़ को लर्न करना चाहे, तो आप उसको ज़िंदगी का आखिरी सबक ना समझें, हतमी ना समझें, बल्कि ये सोचो कि इसके बाद भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, वो भी मैं सीखूँगा। तो क्रिएटिविटी अगर आप कोई एक डेफिनेशन लेते हैं तो ठीक है, आप ले लें, लेकिन एक डेफिनेशन पे इक्तिफा ना करें। वक्तन फोक्तन चीज़ों को स्टडी कर लिया करें, मुतालिया किया करें, ताकि आपको इस बात का खूब इल्म हो कि पहले क्या चीज़ थी, दरमियान में क्या चीज़ आई, अब क्या चीज़ आ गई है, और मुस्तकबिल में किस चीज़ की ज़्यादा इम्कानात होती है। तो क्रिएटिविटी, ख़ासतौर पर क्रिएटिव थिंकिंग बड़ी दिलचस्प चीज़ होती है। अगर हम अपने बच्चों में खुद अपने ऊपर ये मेहनत करें कि हम क्रिएटिव माइंड्स को प्रोड्यूस करें, तो ये बहुत बड़ा असासा है। क्रिएटिविटी ये है कि आप किसी भी मसले के अंदर जब फंस जाए, जब आपको किसी भी चीज़ का मसला आ रहा हो, तो आप, आपके पास एक चीज़ ना हो कि आप सिर्फ एक चीज़ पे अटके हुए हैं कि अगर ये हो गया तो हो गया, अदरवाइज फिर ये नहीं होगा। अगर आप सिर्फ ऐसा सोचते हैं किसी भी मसले में कि सिर्फ इसका एक ही हल है और कोई हो ही नहीं सकता, तो ये फिर लम्हा फिक्रिया होगा, थोड़ा सा आपकी क्रिएटिविटी पे थोड़ा सवाल उठेगा। हमेशा किसी भी मसले को हल करने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो तरीके होते हैं उनमें आसानियाँ होती हैं। कोई तरीका मुश्किल होता है, कोई कम मुश्किल होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल होता है, कोई बहुत आसान होता है, कोई उससे ज़्यादा आसान होता है। तो आपने जो सबसे आसान रास्ता होता है उसी को अपनाना होता है और उसकी पगडंडी पे चल के अपने मंजिल पे पहुंचना होता है। लेकिन हम करते क्या है कि जब हम किसी एक मसले में फंस जाते हैं तो हम सोचते हैं कि वो जो फलाँ शख्स है ना, वो इस मसले को हल कर सकता है। हम ये सोचते ही नहीं है कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर बिलफर्ज़ किसी ने सोचा भी कि मैं कर सकता हूँ, तो वो एक चीज़ जो उसको बेहतर लगी ना कि इस तरीके से ये मसला हल हो सकता है, नहीं, बाकी भी तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी जगह से एक कोर्स करना है और उसकी जो बजट है, अमाउंट है, वो आपके पास नहीं है। तो अब एक तरीका तो यह है कि आप इंतज़ार करें जब आपके पास पैसे आए हैं और फिर बाद में अपॉर्चुनिटी आए तो फिर आप उस कोर्स को अवेल करें। लेकिन ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। फ्यूचर किसने देखा है, या फ्यूचर में ये अपॉर्चुनिटी फिर किसने देखी है कि ये आएगी भी या नहीं आएगी, आपके पास फिर वक्त होगा उस वक्त की नहीं होगा। तो बेहतर तरीका यह है कि आप गौर करें, सोचें कि आपके पास कितना पैसा है और कितना रिक्वायर्ड है। जितना रिक्वायर्ड है वो आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? कोई लीगल वैसे लोन ले सकता है, ये किसी दोस्त से कह सकते हैं, या उनको कोई स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, या उनसे ये कह सकते हैं कि इसकी जगह मैं आप लोगों का कोई और काम कर दूंगा, आप मुझे इसका डिस्काउंट दे दीजिए। तो आप सोचने बैठ जाएंगे तो आपको दसों बीसों मेथड्स नज़र आ जाएंगे, तरीके नज़र आ जाएंगे, जिनके बिना पर आप उस मकसद और उस मसले को हल करने के तह तक पहुँच कर आप उस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है कि हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं। एक चीज़ का मतलब यहाँ पर ये कि स्टिक थिंकिंग पे करते हैं। फोकस तो फिर एक चीज़ पे करनी चाहिए जब हम उस मसले को हल करना शुरू कर दें। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप ऑप्शंस को खुले रखें, हर तरफ से मशवरे लें, जो माहिरीन हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे मशवरे लें, उन मशवरों को आप लिखें किसी पर, किसी जगह पर, और फिर इन सब पे गौर करें कि आप क्या सोचते हैं, लोग जो माहिरीन हैं उनके बारे में, उनकी क्या राय है इस मसले को हल करने के लिए।
फिर इनको और अपनी राय को मिलाइए और उनमें से जो बेहतरीन मिक्सअप निकलेगा उस पर आप अमल कर दीजिए। तो ये क्रिएटिविटी है। और इसका एक मैं बेहतरीन मश्क आपको बताना चाहता हूँ क्रिएटिविटी का, कि आप गौर फिक्र कर लिया करें ज़िंदगी में, हर रोज़ 5 से 10 मिनट गुजारा करें, गौर फिक्र क्या करें कि ये कायनात क्या है और इंसान क्या है, कायनात के मसाइल क्या है, इंसान के ख़ुद कितने मसले हैं, इंसान इन मसलों से कैसे दो चार होता है, इंसान इन मसाइल से कैसे निकलता है। जब ये गौर फिक्र करते तो आपकी जहन के खाने खुलते चले जाते हैं और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको फॉलो करेंगे। बहुत शुक्रिया।